खट्टर भी चेक बना के दे दे है तो कड़ी यार बढ़नी है खट्टर तो मैं जो डेढ़ लाख रुपये फीस क्या आप मेडिकल का कोर्स अपने बच्चों को करवा सकते हैं क्या? जमीन बेचे पेंडा छुटे और भाई जुड़ सा 10 लाख रुपये दे के डॉक्टर बनेगा वो 10,000 में बुखार। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज नरवाना में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस प्रकार पूरे भारत के अंदर किसानों ने जो बंद का ऐलान किया था आज, तो उसका प्रभाव हिसार के उकलाना मंडी के अंदर दिखाई दे रहा है। और आज हम पहुंचे हैं हिसार की उकलाना मंडी में और यहां पर किसानों के द्वारा रोड के ऊपर जाम लगाया गया है। जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है जाम की, हम आपको दिखा देते हैं चैनल के माध्यम से। सभी भाइयों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर किसानों का प्रभाव दिखाई दे रहा है, वही प्रभाव हिसार के उकलाना मंडी के अंदर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ शीश बिछमड़ा जी है, समाज सेवी, इनसे बात करते हैं कि इस प्रकार से आज आंदोलन है, क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है पूरे भारत के अंदर। सर नमस्कार। नमस्कार। जिस प्रकार आज पूरे भारत के अंदर जो बंद का ऐलान किया गया है किसानों के द्वारा, उकलाना मंडी के अंदर भी ऐसा प्रभाव देखने को मिल रहा है, लगता है सर? देखिए, भारत देश के अंदर 137 यूनियनों ने आज फैसला लिया कि जो 25 सितंबर को पूरा भारत बंद का ऐलान था, आज उसी कड़ी में पूरा भारत बंद है, पूरी मार्केटें बंद है, बड़े बड़े जो उद्योग है सारे बंद है। आज उसी कड़ी में हम उकलाना में हैं और उकलाना का जो एरिया है, उकलाना अंदर हमने किसानों ने जो सरसा हाईवे चंडीगढ़ रोड है उसको पूर्ण रूप से जाम कर दिया है। और ये जाम तब तक रहेगा जब तक आदेश रहेंगे। हमारा 10 से 4 बजे तक जो बंद का कार्यक्रम था वो चलता रहेगा। जो केंद्र सरकार 3 काले अध्यादेश लेकर आई है, आज उसके विरोध में ये किसान, व्यापारी और मजदूर यहाँ पर है। और ये हमारा सरकार से निवेदन है कि जो आप कानून लेके आए हैं उनको वापस लो, वरना सड़कों पर रहेंगे, रेल की पटरियों पर बैठेंगे, तब तक बैठे रहेंगे, तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये काले कानून वापस लेते। अब भी मौका है। बात रही हरियाणा के मुख्यमंत्री की और उप मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री जो देवीलाल का पड़पोतर है, चौधरी देवीलाल एक ऐसे इंसान थे जिन्हें किसान के लिए, व्यापारी के लिए, मजदूर के लिए संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज उसका पड़पोतर होते हुए भी सरकार में हिस्सेदारी है और किसानों के लिए नहीं बल्कि बड़े बड़े व्यापारियों के लिए काम कर रहा है जो इस देश को लूट के खा रहे हैं। मैं तो कहना चाह रहा हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, आप आज आप पर मौका है, चौधरी देवीलाल जी की जयंती है, उस मौके पर आप इस्तीफा दें और लोगों के बीच में आकर बैठें और जो किसान की मांग है उसका पूरा कराने का काम करें। ठीक है सर, धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ रमेश सिरंग जी है, आम आदमी पार्टी के। जिस प्रकार से यहाँ उकलाना मंडी के हाईवे पर जाम लगाया गया है और यहाँ पर किसानों बहुत अधिक मात्रा में पहुँचे हैं, हमारे साथ रमेश सिरंग जी हैं, इनसे बात करते हैं किस बात को लेकर और कब तक यह जाम रहेगा, क्या सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने का कोई हल निकला है? नमस्कार। नमस्कार जी। जिस प्रकार से हाईवे को जाम किया गया है पूरे भारत के अंदर, आज किसानों के द्वारा बंद का ऐलान था और प्रभाव भी दिखाई दे रहा है, अपने उकलाना मंडी में कैसा प्रभाव है सर? जो सेंटर की सरकार है जो 3 अध्यादेश लेके आई है किसान विरोधी, उस अध्यादेश का सभी पूरे भारत में विरोध हो रहा है। किसानों के साथ साथ व्यापारी भी कर रहे हैं विरोध और मजदूर भी कर रहे हैं। और ये अध्यादेश है ना, ये जो लाई है सरकार है, ये कॉर्पोरेट घरानों को किसान की जमीन सौंपना चाहती है और किसान से इस खेत में, खुद के खेत में मजदूरी कराना चाहती है, उसका किसान, मजदूर और व्यापारी सभी संगठन विरोध कर रहे हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई बातचीत कर रहे हैं, कोई हल निकला सर? सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं कर रहा, मौखिक बातें हो रही है, लिखित में कोई बात नहीं। हमारी एक ही बात है, अगर ये अध्यादेश लेके आए तो इसके साथ में MSP की जो बात है उसमें एक लाइन और एड कर दो। सरकार के द्वारा बोला गया है जो ये 3 जो कानून बनाए गए हैं कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद है, इसमें फायदेमंद बात की चीज कुछ नहीं है। ये आए और लोगों को समझाएं, बताएं फायदा कहाँ है, गिना देंगे। एक जमींदार को बिठा लिया जाए जिसके बारे में, मतलब इस अध्यादेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखता है, और इनके जो सदस्य हैं MP MLA उनको बिठा दिया जाए, वो एक फायदा भी गिना के दिखा दे और किसान इसकी 1000 बुराइयां गिना देगा। BJP सरकार बोलती है ये कांग्रेस की मिली
वक्त है जिस प्रकार से ये आंदोलन चला हुआ है सर? देखो जी, जब भी सरकारें कांग्रेस और बीजेपी की रही हैं, इन्होंने सभी दलों ने किसानों को बरगलाने का काम किया है। यही जो अध्यादेश है, पहले कांग्रेस ले आ रही थी, सुषमा स्वराज जी ने इस कानून का विरोध किया था। उस सुषमा स्वराज ने बोला था बीजेपी की ने, भाई ये आड़ दिए हैं, ये किसान के एटीएम हैं। और आज वो सरकार बीजेपी सत्ता में आ गई तो आज वो ये अध्यादेश जारी कर रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही चीज है। इस चीज का समाधान करना है तो व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और सरकार बदलनी पड़ेगी। हम संघर्ष समिति करेगी फैसला। हम किसानों के साथ समर्थन देने आए हैं। आम आदमी पार्टी पूरे देश की किसानों के साथ है। जो भी वो फैसला लेंगे, उस फैसले के हम साथ चलेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका।